बलिया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं कांग्रेस भवन का काली पट्टी एक्सप्रेस वे जिसका विरोध में मोदी को बैंक और जमकर नारा लगाते हुए पदयात्रा निकाली। इस यात्रा को देखते हुए प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे व यात्रा को रोका। वहीं कांग्रेस नेता बाबुल सिंह के अगुवाई में मोदी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया तक न आने पर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विरोध यात्रा निकालते ही प्रशासन ने सभी नेताओं और कई छात्रों को कांग्रेस भवन के चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन को गिरफ्तारी को लेकर मुशक्कत करनी पड़ी और वहीं कांग्रेसी अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। प्रशासन ने सभी के हाथों से काली पट्टी और बैनर होल्डिंग छीन नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ज्ञातव्य हो कि योगी और मोदी की अगुवाई में बन रहे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आजमगढ़ से होना है। यह एक्सप्रेस केवल गाजीपुर तक बनना है। बलिया तक एक्सप्रेसवे का निर्माण ना होना और इसका शिलान्यास आजमगढ़ में होने को लेकर कांग्रेसी काफी नाराज दिखे, जिसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध आजमगढ़ के लिए पद यात्रा निकाली, जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और जिस परियोजना का नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, उस पूर्वांचल शब्द की परियोजना से अगर बलिया को अछूता रखा जाएगा तो हम लोग नहीं मानते कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और जिस बलिया के इतिहास रहा हो भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की, और जिसको स्वीकार किया हो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कि जब जब देश को जरूरत पड़ी है बलिया ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है, तो उस बलिया को विकास की मुख्यधारा से जो है अछूता रखना हम बलिया के नौजवान कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके तहत हम लोग आज आजमगढ़ की तरफ कूच कर रहे थे, जहाँ पे रास्ते में हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर टाइम आए। हम लोग ये चाहते हैं कि विकास की मुख्यधारा से बलिया को भी जोड़ा जाए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक लाया जाए, और ये नहीं आएगा तो हम लोग की लड़ाई और जारी रहेगी।